फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं जगदीश मंदिर, जो कि उदयपुर के जगदीश चौक में स्थित है। आइए हम देखते हैं जगदीश चौक मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जगदीश मंदिर, जो कि जगदीश चौक में स्थित है। जी हाँ, ये है उदयपुर के सिटी जो है उसके बिल्कुल बीच में स्थित है, पुरानी जो सिटी है उसके बीच में, और सिटी पैलेस यहाँ से पास में है, या उसको जो रॉयल पैलेस भी जाना जाता है। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, लगभग आपको 32 से 35 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है, और साथ ही पास में भी काफ़ी सारे मंदिर बने होते हैं। पुराने शहर की जो बताते हैं कि पुराने शहर का जो परकोट था, उसी परकोटे पर यह स्थित है जगदीश मंदिर, इसीलिए काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। और जो राजा महाराजा थे, उनने व्हाट्सएप के लिए इनको बनाया था, और आपके स्वागत के लिए दो हाथी की जो बड़ी बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर लगी हुई है। दोस्तों, जगदीश मंदिर का जो इतिहास है वो बताते हैं कि 1651 में इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, जिन्होंने कि उदयपुर पर 1628 से 1653 ईस्वी तक राज किया था। और बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने में उस समय भी लगभग 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये देखिए, यहाँ पर जगदीश मंदिर के आसपास पार्किंग स्थल, क्योंकि पुराना शहर है तो पार्किंग स्थल भी बने हुए हैं, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी वगैरह जो है पार्क कर सकते हैं। जगदीश मंदिर जो है वह मारू गुर्जर जो स्थापत्य कला है उसका अनुपम उदाहरण है, और इस मुख्य मंदिर के चारों ओर चार कोनों में चार जो अलग अलग भगवान हैं उनके मंदिर बने हुए हैं, जिनमें चार मंदिरों में मुख्यतः भगवान गणेश का है, एक भगवान सूर्य का है, एक माँ शक्ति का है, और एक शिव भगवान का है। देखिए बहुत ही शानदार, यह जो है मुख्य मंदिर जो है यह 3 मंजिला मंदिर है, जिसमें शिखर है, गर्भगृह है, सभा मंडप 3 तरह के हैं, और इसकी जो सीढ़ियां हैं यहाँ पर चढ़ के यह मुख्य मंदिर का दरवाज़ा, और यहाँ पर इसके बारे में है जो विस्तृत विवरण यहाँ पर लिखा गया है। और जो भगवान गरुड़ है, जो भगवान शिव विष्णु के जो हैं गार्ड भी माने जाते हैं, या उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर जो है आपका मुख्य मंदिर में स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मुख्य मंदिर में। सामने आपको जो है सुंदर प्रतिमा भगवान जगन्नाथ या जगदीश जी की, एक्चुअल में इसकी जो मूर्ति है वो जगन्नाथ राय के नाम से है यहाँ पर, लेकिन कालांतर में इसका नाम जो है जगदीश जी, और अभी जो है यहाँ पर सामान्य बोलचाल में भी जगदीश मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वह चतुर्मुखी मूर्ति सामने एक काले पत्थर पर बनाई हुई है, जो भी एक अद्भुत कलाकृति का नमूना है। ये देखिए मुख्य गर्भगृह, और जो मैं बता रहा था काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है यहाँ पर, जो स्थापत्य कला है इस मंदिर के, जो स्थापत्य कला में जो है मुख्यतः यहाँ पर एक तो हाथियों के बारे में बताया गया है, छोटे छोटे जो हाथी हैं उनके बारे में, और इसके अलावा यहाँ पर जो हैं संगीत और जो नर्तक हैं उनके बारे में, रुद्र वीणा आदि जो सुंदर कलाकृतियाँ हैं पुराने समय की, जो नागर स्थापत्य कला है उसका भी यहाँ पर एक अनुपम उदाहरण है, जो काफ़ी सारे अपने जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, या आप अगर चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो जो कालिका माता मंदिर है वहाँ पर भी इसी प्रकार की जो है सुंदर स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिलता है। जो नक्काशी की गई है पत्थरों पर वो काफ़ी बारीक नक्काशी की गई है। यह मैं जो कह रहा था, मंदिर चारों कोनों में चार मंदिर हैं, और भगवान जो गरुड़ हैं, जो विष्णु के जो एक तरह से गार्ड कहें या जो उनके जो रखवाले हैं, आपका स्वागत करने को आतुर। ये देखिए जिस स्थापत्य कला की मैं बात कर रहा था, 3 मंजिला जो मंदिर है जगदीश मंदिर, यहाँ पर देखिए जो हाथी के बारे में बताया गया था, आपको बता रहा था अभी, कितनी सुंदर जो है इस प्रकार की जो है पूरे मंदिर पर इन्होंने काफ़ी बारीकी से जो है नक्काशी की गई है। पुराने ज़माने में जो कारीगर थे उनको कितना समय लगता था, और अपनी कितनी मेहनत या अपनी कितनी जान है जो इन नायाब मंदिर और जो अलग अलग जो स्थापत्य कला के जो विरासत उन्होंने हमारे को दी है, उसके लिए जो है आज की जो पीढ़ी है वो हमेशा ऋणी रहेगी। ये देखिए मैं जो बता रहा था, अलग अलग जो नर्तक और नर्तकियाँ हैं उनका, रुद्र वीणा आदि की जो है कलाकृतियाँ इस पर उकेरी गई है। चार मंदिर जो मैं कह रहा था, चारों कोनों में जो है चार मंदिर बने हुए हैं अलग अलग भगवान के।
और इस मंदिर में जो है जगदीश मंदिर का जो मुख्यतः जो होता है, एक बार जो वार्षिक जो है रथ यात्रा निकलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। रथ यात्रा में काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पधारते हैं उदयपुर से। और जगदीश मंदिर का ये भी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है आप किसी भी समय आए तो आप दर्शन कर सकते हैं, यानी कि आपको दर्शन करने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, आप कभी भी आके यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। और जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो भी जगदीश मंदिर के आसपास काफ़ी रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सिटी पैलेस है और पिछला लेक भी यहाँ से पास में ही है, फतेह सागर भी यहाँ से पास में है। तो शहर के बीचों बीच होने की वजह से जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर रुकते हैं और इसकी जो अनुपम स्थापत्य कला है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। और जो तो इस प्रकार से जो जगदीश मंदिर का है महत्व है वो उदयपुर शहर की जो पर्यटन की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। ये देखिए कबूतर भी यहाँ पर जो है दाना चुगने आते हैं शाम के समय या पूर्ण समय, कभी भी जो भी श्रद्धालु यहाँ पर जो है इनको दाना डालते हैं, तो यह भी जो जगदीश मंदिर की जो शोभा है उसको बढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक शिलालेख भी इस मंदिर में लगा हुआ है जिसमें गुहिल जो शासक हुए थे, गुहिल जो वंश के शासक हुए थे उनके बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। और बताते हैं कि जो जगदीश मंदिर है जो शहर पना या जो सिटी वॉल कहते हैं इसके ऊपर स्थित है, यानी कि जो पुराना जो पहले शहर था उसकी जो शहर कोट कहें या जो परकोटा होता है उसी पर ही जो जगदीश मंदिर है वो बनाया गया था। और राजा महाराजा जो हैं और यहीं से जो उनका जो रॉयल पैलेस है, जो सिटी पैलेस है, वहाँ पर एक द्वार है जो सीधा यहाँ पर जगदीश मंदिर की तरफ आता है। ये देखिए बहुत ही भव्य ध्वज जो कि हिंदू संस्कृति के रूप में लहरा रहा है, भगवान श्री जगदीश का टेम्पल, बहुत ही ज़बरदस्त, आपको आना चाहिए यहाँ पर।